हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SS क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले क्वाड्रिलेटरल का दो वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उसमें आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया हुआ है, जिसमें ट्रैपिज्म और पैरेललोग्राम कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप लोग उसे देख लें। वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो इंड स्क्रीन पर उसका आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे का पढ़ाई पूरा करते हैं। हम लोगों का बचा हुआ है क्वाड्रिलेटरल में क्या, रोम्बस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। और उसके बाद रेक्टेंगल और स्क्वायर बचा हुआ है हमारा, हम लोग उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का रोम्बस सम चतुर्भुज। सम मतलब होता है समान। ठीक है, सम मतलब समान। तो देखिए, इस हिंदी में जो ये दिया है सम चतुर्भुज यानी समान, तो उसका आप इससे ना इसका डेफिनेशन ध्यान में रख सकते हैं। जैसे क्या है, रम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच, देखिए ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वर्ड नहीं यूज़ किया जा रहा है कि रम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ मैं, पैरेललोग्राम, यानी ये जो रोम्बस हुआ वो पैरेललोग्राम का टाइप्स हुआ। बात आ रही समझ में? आप सबसे पहले पैरेललोग्राम का वीडियो देख लें, उसे समझ लें। ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं लिख रही हूँ कि रोम्बस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, क्या लिख रही हूँ, रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का जो फीचर्स है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो इसमें फॉलो करेगा। तो क्या हो गया, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, यानी सम चतुर्भुज है ये, समान चतुर्भुज, यानी ये बराबर इसके, मतलब सारा बराबर होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट फीचर है इसका, डायगोनल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, यानी डायगोनल जो है वो एक दूसरे को कितने डिग्री, कितना पे काटेगा, 90 डिग्री पर काटेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी दो बराबर भागों में बांटेगा। बात आ रही समझ में? दो बराबर भागों में बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो दैट इज ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, और आप देखिए क्या है, और यहाँ पे जो है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यानी ये एंगल, फिर एंगल बी ओ सी, फिर एंगल सी ओ डी और फिर एंगल डी ओ ए, ये सारा एंगल आपस में क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा कितने पर, 90 डिग्री पर, इसलिए सारा यहाँ पर का जितना भी एंगल बनेगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे फिर हम लोग देखेंगे क्या है नेक्स्ट नंबर, इच डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल एट द वर्टिसेज, यानी प्रत्येक डायगोनल जो है वो वर्टेस वर्टेक्स पे जो प्रेजेंट है, जो वर्टिसेज है इसका एंगल, उसे भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि अगर एंगल ए की बात करें तो ये इसको और इसको एक बराबर भाग में बांटेगा, यानी ये मान लीजिए 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्ट होगा, ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, नहीं दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये भी और ये भी आपस में इक्वल होगा। उसी तरीके से सेम है इसमें भी होगा, सेम सेम इसमें भी होगा। तो देखिए यहाँ पे उसी बात को लिखा गया है, इच डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल्स एट द वर्टिसेस दैट इज डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल्स बी एंड डी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से फीचर्स आप अगर रोम्बस का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है उसको याद रखेंगे तो आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया इक्वल टू इसका होता है हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स जो दिए हुए हैं उसके प्रोडक्ट को आप हाफ से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। तो दिया रहता है इसमें से, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत जगह बहुत तरीके से किया जाता है, तो वो जैसे क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है उसमें दोनों डायगोनल दिया होगा तो डायरेक्ट एरिया निकाल लीजिएगा, या फिर एरिया दिया रहता है, एक डायगोनल दिया रहता है तो दूसरा डायगोनल निकालना होता है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अभी हम लोग थ्योरी को देख रहे हैं कि
थ्योरी कैसे है, मतलब एरिया ऑफ रॉम्बस हमें याद होना चाहिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ओके ये बात। अब देखिए नोट एक बात इसमें कर लीजिए आप, क्या है, सिंस द डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, चूँकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायगोनल रॉम्बस के अंदर डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को कितने पर, 90 डिग्री पर, राइट एंगल करता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। आप आ रही बात में, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया, तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी इस ट्राइंगल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी ये 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होता है वो क्या होता है, एच होता है ना, तो क्या हो गया ये ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है बता रही समझ में। ये कहाँ से आया है, ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर किसके, परपेंडिकुलर प्लस बेस के, ठीक है तो वहाँ से ये चीज़ आया है। अब देखिए तो क्या हो गया, ए बी क्या है साइड है और यहाँ क्या बताया गया है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स अगर आप ये साइड निकाल लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा साइड सारा इक्वल होगा। तो देखिए साइड निकालने का ये फॉर्मूला है जिससे आप मान लीजिए कैसा क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बना आपको हर एक बात से अवगत कराना मेरा काम है, मैं आपको अवगत कराती हूँ उससे। देखिए साइड साइड का स्क्वायर इक्वल टू डी वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी टू बाई टू का होल स्क्वायर, मीन्स ये देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना, इसके स्क्वायर प्लस इतने इसके स्क्वायर, तो अगर हम ए सी को डी वन माने, ए सी को डी वन और बी डी को डी टू, तो क्या है बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, यानी कि अगर ये टोटल डी वन है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, डी वन का आधा, पूरा डी वन है तो ये कितना हो जाएगा डी वन का आधा और ये फिर क्या हो जाएगा डी वन का आधा, उसी तरह से अगर पूरा बी डी डी टू है तो आधा आधा क्या हो जाएगा डी टू बाई टू और डी टू बाई टू, तो यहाँ पे वही किया गया डी डी वन हाफ डी वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी टू बाई टू का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ आपको लिख के बता दिया है बच्चे, वेयर ए सी इक्वल टू डी वन है और बी डी इक्वल टू डी टू है, बात आई समझ में। तो ये है रॉम्बस के बारे में कुछ जानकारी कि आप कैसे रॉम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रॉम्बस क्या है कैसे काम करता है, ठीक है तो उस तरीके से आप इसका ध्यान रखें। और मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला हुआ है बच्चों कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोग एक नोट्स तैयार कर लें इसका, एक जगह पे कलेक्शन बना के रखें, ताकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं सुन रहे हैं तो सब याद हो जाता है, बट कभी कभी देखने की ज़रूरत होती है, तो आप लोग उसको अपना नोट्स से भी देख के याद कर सकते हैं, ठीक है तो ये हुआ रॉम्बस। अब हमारा बचा हुआ है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है तो देखिए ये देखिए अब नेक्स्ट फोर नंबर है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से आप लोग सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है आयत, ठीक है तो देखिए यहाँ भी क्या लिखा गया है, और रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच, यानी ये भी टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये क्या होता है इसमें पैरेलल इस रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर इक्वल, यानी दोनों डायगोनल जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी ए सी इक्वल टू बी डी हो गया। फिर क्या कह रहा है दूसरा नंबर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी बाइसेक्ट करेंगे यानी कि दो बराबर भाग में बांट देंगे, ठीक है तो इसका अर्थ क्या हो गया, ओ ए बराबर ओ सी, बाइसेक्ट का मतलब आप लोग समझिए बाई मतलब दो, दो बराबर भागों में बांटना, ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, इच एंगल इज अ राइट एंगल, दैट इज इसमें क्या होता है रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं राइट एंगल होते हैं, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर सी बराबर डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है तो ये रेक्टेंगल के बारे में जानकारी है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग सभी जानते हैं बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई इंटू चौड़ाई को क्या बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते हैं इसलिए आप लोग सभी को पता होता है, ठीक है। देखिए अब बारी आती है स्क्वायर की,
स्क्वायर हिंदी में क्या कहलाता है? वर्ग, वर्ग, ठीक है। तो देखिए, और स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच, आप लोगों ने देखा आज जो जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो सब क्या है? एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है, ठीक है। और स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्या होते हैं? ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी ए। उसी तरह से ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी एंगल ए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बराबर कितना? 90 डिग्री के। उसी तरह से क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल, यानी डायगोनल क्या है? ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स इक्वल हो गए आपस में, ठीक है। फिर क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। देखिए सेम सेम है इसके जैसा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन यहाँ पे क्या है? राइट एंगल मेंशन नहीं किया गया, जबकि यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या है? ईच डायगोनल बाइसेक्ट एंगल्स एट द वर्टिसेस, ठीक है। यानी कि ये एंगल को भी वो दो बराबर भागों में बांटता है, एकदम सेम एज रोम्बस की तरह है ये स्क्वायर, बिल्कुल रोम्बस की तरह बिहेव करता है। देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू क्या? 90 डिग्री, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा, डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है? इच डायगोनल बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट एंगल्स एट द वर्टिसेज, यानी वर्टेक्स वर्टेक्स पे जो प्रेजेंट है एंगल उसे भी दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, है ना? समझ में आई बात? तो ये हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या? साइड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, साइड साइड का स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइड किसको रिप्रेजेंट, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड को कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा ट्रेपेजम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने ट्रेपेजम और पैरेललोग्राम का अलग अलग पढ़ा है, और एक जगह मैंने आपको पैरेललोग्राम का टाइप्स यानी रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ाया है। आप लोगों को अगर समझ में आया है बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, मुझसे जुड़े बच्चों आगे, ताकि मुझे भी एक मुझ में भी एक कॉन्फिडेंस आए कि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ सकती हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ही आप लोग इसका नोट्स भी तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।